को भी लगाएंगे, वो निबड़ा सकता है हाँ जी, जो इन्होंने जिस काम किया होता है जो, तो इनके पास इंजीनियरिंग की स्केल भी और सारी स्केल इनके पास है। मैं अभी आपको जो बताई थी बात के जो चीजें हमने सीखी है उससे सीखी है, अभी हम सीख भी रहे हैं बहुत चीजें। जब ये लुप्त हो जाएगी तो हम भी लुप्त होना है। बोलते हैं ना जैसा युग, भाई पहले ये युग था, अब दूसरा चला, तीसरा चला, अब लाना आ रहा है, तो ये सारी चीजें इससे। तो जब ये मोम शहद को खाती है तो अपने पेट से वैक्स निकालती है, ठीक है, और ये उसी से फिर अपना छाता बुनती है, ठीक है। तो जब मधुमक्खियां 10 किलो शहद खाती है तो 1 किलो वैक्स बनता है। तो हम जब पुराने घरों में जो छाते काट के निकालते थे, निचोड़ देते थे उसको, तो हमने क्या कर दिया, उसका घर बर्बाद कर दिया। इस वैक्स को बनाने में मक्खियों के भागने का कारण एक ये भी है कि हम उसके छाते तोड़ देते थे, वैक्स सारा खत्म कर दिया। अब उस वैक्स से छाते बनाने को कितना टाइम लगेगा इसको, अगर उसके पास वर्कर होंगे, जब वो शहद खाएंगे, पोलन खाएंगे, तब जाके मोम निकलेगा, कितना निकलेगा। अब मान लो आपने जो घर के लिए ईंटे लाई थी यहाँ पे, वो ईंटे तो आपने सारी ले गए, अब आपने काहे से बनाना है मकान, तब बनाएंगे ना आप जब ईंट लाएंगे, या ईंट बनेगी कहीं फैक्ट्री पर तब। तो वही हिसाब इनका था कि जो वैक्स है इनका पेट से निकलता है, ठीक है। वैक्स का भी बड़ा भारी यूज है, जैसे कॉस्मेटिक वगैरह में आप देखते होंगे, लिपस्टिक आ रही है लक में, जो अच्छी अच्छी क्रीम में सारा इसमें वैक्स यूज हो रहा है। दो चीजें इसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा फिर आपको ना, इसी में टाइम वेस्ट हो जाएगा। रॉयल जेली, रॉयल जेली क्या है, जैसे मधुमक्खियां जो है इनके सिर में एक ग्लैंड होता है यहां पे, उसको बोलते हैं हाइपो एंजियल, ये भी लिख लेना आपने और नेट पे देखना फिर, हाइपो एंजियल, हाइपो एच वाई पी एच ओ पी एच आर वाई एन जी ई ए एल, हाइपो एंजियल ग्लैंड, हाँ जी, पी एच पी एच आर वाई एन जी ई ए एल, हाइपोफ्रेंजियल ग्लैंड, बस नाम सनी को आप बाकी खुद आ जाएगा वहां जब आप देखेंगे फ्री टाइम में। तो मधुमक्खिया क्या है कि जब जो इनकी रानी मक्खी आपने सुना है इनके अंदर एक ही होती है, काफी हेल्दी होती है, वो दिन के 1200 अंडे देती है। अगर उस अंडे का आप वेट करो तो उसके वेट से भी 2.5 गुना ज्यादा होता है। इसका मतलब कोई बड़ी तगड़ी चीज खा रही है, उनसे बड़ी भी है साइज में, गोल्डन कलर की, तो वो क्या खाती है, रॉयल जेली। रॉयल जेली कौन देता है उसको, वर्कर बीज। तो इसका भी इंटरनेशनल मार्केट में चाइना वगैरह बड़ी प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। तो जैसे आपने मार्केट में देखा होगा कहीं जिनसेंग, सुना है आपने नाम, कायम है इम्यूनिटी वाली दवाइयों में, हाँ टॉनिक, जैसे वो युवराज की आती थी एडवर्टाइजमेंट, रिवाइटल जेली भर के जिनसेंग रॉयल जेली से बनता है। तो रॉयल जेली एक ऐसा सब्सटेंस है, मिल्की सब्सटेंस होता है, छोटा सा खट्टा खट्टा इसका थोड़ा टेस्ट होता है। अगर आप 60 साल के बूढ़े को देंगे तो फिर वो बूढ़ा नहीं होगा, आप आज से ही खाना शुरू करो इसको, ठीक है जी। तो जो आपकी संस्था में आप काम कर रहे हैं, आप ऑर्चनिस्ट भी हैं, बी कॉलोनीज को भी रखो, बी कॉलोनीज भी आप अपनी रखो ना ग्रुप में। जैसे मान लो आपका रोडू से लेकर जो चढ़गांव ब्लॉक है पूरा, अगर आपके ब्लॉक में 10,000 डब्बे की जरूरत है, आप अपने बनाओ ना, अपने बी की प्रत्यार करो, अपने ग्रुप में बनाओ, वो पॉलिनेशन का काम भी करे और हनी प्रोडक्शन भी होगी होगी उसके साथ। उसके अलावा जो ये प्रोडक्ट है ये भी बड़ी जल्दी, हनी तो हो ही रहा है, वैक्स भी हो रहा है, रॉयल जेली प्रोडक्शन शुरू है, प्रोपोलिस। जब आप मधुमक्खियों का डब्बा देखते हैं, आप जो घर ले जाते हैं तब देखते होंगे, उसमें जब फ्रेम आगे पीछे करते हैं तो चिपकने वाला होता है, टाट में भी चिपका होता है, उचेड़ के करना पड़ता है, फ्रेम को भी आगे पीछे चिपका हुआ होता है गम ही सब्सटेंस, वो प्रोपोलिस है। तो इसको भी मधुमक्खियां जो है पेड़ों की बट से लाती है, अब इसकी भी बड़ी दवाइयां बनती है। जैसे मार्केट में एक क्रीम आती है क्रैक क्रीम, सुना है आपने, जिसे हाथ पैर फट जाता है बट्टे को ठीक करने के लिए। इस प्रोपोलिस की ऐसी प्रॉपर्टी है, जैसे कट लग गया या आपके दरार पड़ गई कहीं हाथ में, आप इसको लगा दो एकदम से हील हो जाए, ठीक है जी।
बी वेनम मधुमक्खियों का जो जहर है, ये भी दवाई है, ठीक है जी। हम डरते हैं कि भाई इससे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो इसके बी थेरेपी के भी क्लिनिक है खुले हुए, ये भी आप लिख लो अपने उस पे, देखना जरा नेट पे बी थेरेपी। ठीक है जी, बी थेरेपी इसको भी लिखो। सर ये रॉयल जेली कहाँ से लाती है मक्खिया? अंदर ही बन रही है। अच्छा, अंदर ही बन रही है। इतना चीजें हैं इनके पास, मतलब जो आप अभी पहले जो इन्होंने बात की थी कि भाई ये तो ऐसे ही घूमती है इधर उधर, ऐसा नहीं है, ये बड़ी वंडरफुल चीज है। नहीं, ये अपने काम से घूम रही है, मेरे ख्याल से पॉलिनेशन तो नेचुरली हो रहा है शायद। पॉलिनेशन पे भी मैं आऊंगा। अच्छा अच्छा, अभी आप इसकी सारी कहानी समझ लो। ठीक ठीक, आपकी कोई चीज नाम भी खुद ही बनाते हैं। बी वेनम तो जहर है, जहर देखो जब हमारे को मक्खी काटती है तो कांटा चुभता है ना हमारे, हम क्या करते हैं उसको प्रेस करके निकाल देते हैं, उसके अंदर जो जहर होता है वो इंजेक्ट होके वो कांटा होता है खोखला अंदर से, जैसे इंजेक्शन होता है वो अंदर जहर चला जाता है, बी वेनम है, जहर है। ठीक है, वो भी दवाई का काम करता है, जैसे जोड़ों का दर्द है, गठिया है, आर्थराइटिस है, या मेंटली रिटार्डेड जो पेशेंट है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये रिड्यूस करता है। तो बाहरले देशों में क्या है कि वहां पे बी थेरेपी के क्लिनिक है खुले हुए, जैसे आपके जोड़ों की दर्द है कहीं ऐसा है कोलेस्ट्रॉल लेवल, वो आपको चैम्बर में अंदर डाल देंगे। ठीक है जी, इधर से करंट पास करेंगे और मधुमक्खियां थोड़ी इरिटेट होगी, वहां चैम्बर में आपको स्टिंग लगा देगी। एक स्टिंग के लेते हैं वहां $2, ₹200, और यहाँ आप मुफ्त में नहीं काटना दे रहे। ये भी एक बड़ा सब्सटेंस है इसका। इसको निकालते कैसे हैं? इसको निकालते ऐसे है कि जैसे आपका मधुमक्खियों का डब्बा है, उसमें क्या होगा कि जैसे शीशा एक फ्रेम पे जो है वहां अंदर शीशा रख देते हैं, इस शीशे के अंदर तारे हैं, जैसे गाड़ियों का नहीं होता, अंदर तारे हैं दोनों तरफ, वो है इसके ऊपर करंट पास करते हैं, तो मधुमक्खियों को जब करंट लगता है तो वो अपना स्टिंग उस शीशे में चुभती है, नीचे शीशे में तो नहीं चुभ सकता, तो वो जब जोर मारती है तो उसका नहीं स्टिंग नहीं टूटता, जहर की ड्रॉप गिर जाएगी, उस जहर की ड्रॉप को स्क्रैच करके इकट्ठा कर लिया। ठीक है, और इसको हम इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़ रही है। एक क्वेश्चन है सर, बोलते हैं जब शरीर डंग मारती है ना मुखी, मतलब उसका कांटा टूट जाता है, तो उसके बाद क्या सर वो फिर से आता है या फिर वो खत्म? तो ये काटना ये भी नहीं चाहती जी जी, तो हार्ट के पास से डिटैच होता है, वो डेथ हो जाती है बीज की, तो मरना ये भी नहीं चाहती है, कौन मरना चाहता है जी, कोई नहीं मरना, तो काटती है हमारे को स्ट्रेस कंडीशन में। तो ये बी वेनम जो इसका एक प्रॉपर्टी है, पोलन जो बाहर से पराग लाती है फूलों से पीला पीला टांगों में, आपने देखा होगा जैसे ये टांगे हैं इसकी, तो पिछली टांगों में इसकी ऐसे पोलन बास्केट है बनी हुई, लाती है ना ऐसे पोलन। ये पोलन भी बड़ा भारी दवाइयों में यूज हो रहा है। ठीक है, जितने भी कॉम्प्लेक्स विटामिन ये कैप्सूल आ रहे इसके अंदर पोलन,